नमस्कार, मैं जय निवास और अभी आ चुका हूं पूसा रोड। आज नामांकन का आखिरी दिन है, एमसीडी की जंग जारी हो। इससे पहले उम्मीदवार अपनी रजिस्ट्रेशन पंजीयन ऑफिस में करा रहे हैं और इसी सिलसिले में एक उम्मीदवार के समक्ष मैं आपको लिए चलता हूं, देखिए क्या सच और क्या हकीकत है। इसी सिलसिले में हमारे पास उम्मीदवार, महिला उम्मीदवार चित्रा विद्यार्थी नाम से काफ़ी फेमस है, जैसा कि विद्यार्थी शब्द आप जानते हैं। आइए हम इनसे जानते हैं क्या कुछ है। सबसे पहले मैम, आप ये बताइए, राजनीति में आने का कारण? राजनीति में आने के कारण जी, आप बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बिना राजनीतिक पावर के आप नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास पार्क है, लेकिन पार्क में काम कौन करवाएगा? वहाँ का स्थानीय पार्षद के ठेके में होता है वो काम, वो करवाते हैं। लेकिन हमारे पास पावर ना होने की वजह से हमने अपना ये मुद्दा बनाया कि हमें निकलना है और राजनीति में अपनी पकड़ बनानी है। बहुत सालों से मैं 25 सालों से लगभग 25-30 सालों से राजनीतिक एक लंबी पारी मैंने राजनीति को दी। और पहले मैं भाजपा में रही, भाजपा वालों ने मेरा सम्मान नहीं कर पाए, ना ही मुझे कोई ऐसी पावर दी कि मैं आगे। कुछ पूर्व विधायकों का था कि मेरे संग, वो शायद मुझे अपना कंपटीटर समझकर उन्होंने मुझे नेगलेक्ट किया। और जब भी पार्टी में टिकट की बात आती थी तो सर्वे हो रहा है, मुझे नहीं मालूम कौन सा सर्वे होता था। तो अंत में एक मोटी रकम देकर लोग टिकट ले आते थे। माननीय केजरीवाल जी ने सर्वे कराया और सर्वे में जमीनी स्तर पे जो सर्वे निकल कर आया उसमें पार्टी ने मुझे टिकट दिया, मुझे मनोनीत। पावर की बात करिए, आप एडवोकेट खुद है, इससे ज़्यादा पावर और किसको मिल सकता है? फिर भी आप चुनाव में आए तो नामांकन दाखिल किया, क्या कुछ कहेंगे आप? मैं माननीय केजरीवाल जी और अपने विधायक राजेश गुप्ता जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस नामांकन के काबिल समझा, और मैं पार्टी और कार्यकर्ताओं और सभी का धन्यवाद दूंगी। साथ में अपने क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगी और चाहूंगी कि वो मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं पूरी ताकत से उन लोगों की सेवा कर सकूं। अच्छा, ये बताइए आपका वार्ड नंबर क्या है और वार्ड में प्रमुख समस्याएं क्या है? मेरा वार्ड नंबर 66 है, जिसमें प्रमुख समस्या है पशुओं की। जो आवारा गाय घूमती हैं उनकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं और साथ में उन लोगों को भी बहुत सारी चोट पहुंचती है। पीछे भी अभी एक दुर्घटना हुई थी, एक बच्चे को, 15 साल के बच्चे को गाय ने मार दिया था। उन पशुओं पे कोई रोक नहीं है, इसके लिए जिम्मेवार आप समझते हैं कि मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट 15 साल से जनता का खून चूस चूस कर मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट इसको बना दिया है। अब हम लोग जनता की समस्या को सॉल्व करेंगे और भ्रष्टाचार। अभी चुनाव की यात्राएं शुरू होगी, बैठक का दौर चलेगा, लोग वोटरों से मिलेंगे, क्या उनसे अपील करेंगे, क्या कहेंगे, मुद्दा क्या उनके सामने लेके जाएंगे? भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली, कचरे से मुक्त दिल्ली और सुशासन की कोशिश करें। जो मीडिया में, सुर्खियों में, टीवी में, अखबारों में भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली, कूड़ा पहाड़ से मुक्त दिल्ली की आवाज़ अब तक उठ रही है, अब इसको गलियों में, सभा, बैठक, वोटरों पे जाके बताने का काम ऐसे प्रत्याशी करेंगे। अब देखना यह है 4 तारीख का परिणाम क्या कुछ होता है। तब तक के लिए आप वॉच करते रहिए। दिल्ली से टाइम्स लाइव इंडिया के लिए जय निवास की यह रिपोर्ट।